Hello kids, in today's video I'm going to explain you a story from 4th class Mishika book, Hindi Mishika 4th class book and 13th chapter, and the chapter's name is Tenali Raman Ki Chaturai. So let's start the story. Tenali Raman is the minister of the king Sri Krishna Devaraya. He was one of the kings of Andhra Pradesh and he was a great king, and he had many ministers, and one of the ministers was Tenali Raman. He was known for his intelligence. He was very smart, he was very clever. He would solve all the problems of the people who come to the king with all his intelligence and smartness. So this is one of the story which tells us about his intelligence and cleverness. Okay, so Tenali Raman is his name, and Chaturai means that smartness, cleverness is Chaturai. Let's start the story. हम अपनी चतुराई व सूझबूझ से बड़ी से बड़ी समस्या से भी निपट सकते हैं. See, they are saying if we are clever, if we are smart, we can find the solution to any kind of problems. आओ पढ़े ऐसे ही एक कहानी. So let's read one of the stories of the intelligence, smartness. कहानी means story. So let's start it. राजा कृष्ण देव राय के पास 10 सुंदर गुलदस्ते थे. So the king's name is कृष्ण देव राय. He had 10 सुंदर गुलदस्ते, ब्यूटिफुल वेजेस, फ्लावर वेजेस. वे उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारे थे. सो दे आर मोस्ट लवेबल टू हिम. ही यूज़ टू लाइक दम अलॉट. उनकी सुरक्षा, देखभाल और साफ़ सफाई के लिए उन्होंने एक सेवक रखा हुआ था. सो टू टेक केयर ऑफ दोज वेजेस, टू क्लीन दैम, टू टेक केयर ऑफ देम द किंग हैज़ अपॉइंटेड अ हेल्पर. एक बार सफाई करते समय उनमें से एक गुलदस्ता सेवक से टूट गया. सो सेवक इज द हेल्पर और द सर्वेंट. सो वन डे वेन ही वॉज क्लीनिंग द वेजेस, सडनली वन वेज फेल डाउन एंड गॉट ब्रोक. यह समाचार पाकर राजा कृष्णदेव राय आग बबूला हो उठे और उन्होंने तुरंत हुक्म जारी किया कि सेवक को कल सवेरा होते ही फांसी पर लटका दिया जाए. सो द किंग गॉट द न्यूज़. समाचार मीन्स न्यूज़. ही गॉट द न्यूज़ एंड ही वॉज वेरी एंग्री. आग बबूला मीन्स गुस्सा होना. इट इज़ वन ऑफ द idioms. आग बबूला होना मीन्स गुस्सा होना. सो ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही ordered दैट द सेवक इज़ द सर्वेंट, ही शुड बी गिवन द हैंगिंग पनिशमेंट, ही शुड बी एग्जीक्यूटेड. द सर्वेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाई टुमोरो मॉर्निंग. कल सवेरा मीन्स मॉर्निंग. फांसी इज़ हैंगिंग. सो ही शुड बी गिवन द हैंगिंग पनिशमेंट, एग्जीक्यूटेड. तब एक के लिए इसे कारागार में डाल दो. तब तक के लिए इसे कारागार में डाल दो. कारागार मीन्स जेल. सो टिल देन यू हैव टू दे हैव टू पुट हिम इन द जेल. थर्ड पैराग्राफ. यह खबर उनके मंत्री तेनाली रामन तक भी पहुंची. सो इवन तेनाली रामन गॉट द न्यूज़. खबर इज़ ऑल्सो न्यूज़. तेनाली रामन को बहुत बुरा लगा. ही फेल्ट वेरी बैड. बुरा लगना इज़ फीलिंग बैड. वे तुरंत उस सेवक से मिलने कारागार पहुंचे. उन्होंने सेवक के कान में कुछ कहा और वहां से शीघ्र ही लौट आए. सो ही वेंट टू द जेल टू मीट द सर्वेंट एंड ही सेट समथिंग इन सर्वेंट्स ईयर. He said something and he left the jail. शीघ्र means immediately. Next, दूसरे दिन सेवक को फांसी के लिए लाया गया. इस मौके पर अपने सभी दरबारियों सहित राजा कृष्णदेव भी वह उपस्थित थे. So it was the that punishment day. That morning the helper was they brought the helper to that place where he will be executed, and the king was also there. राजा ने सेवक से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? The king asked the servant, what is your last wish? अंतिम इच्छा means last wish. So what is your last wish?
महाराज, मैं अंतिम बार आपके गुलदस्तों का संग्रह देखना चाहता हूँ, नौकर ने कहा। द सर्वेंट सेड दैट फॉर द लास्ट टाइम आई वॉन्ट टू सी ऑल दोज वेजेस। अंतिम बार, अंतिम मीन्स लास्ट टाइम, संग्रह मीन्स कलेक्शन, ही वॉन्ट्स टू सी द कलेक्शन ऑफ दोज वेजेस। राजा कृष्णदेव के आदेश से वह संग्रह वही मंगवाया गया। तभी सेवक ने एक सिपाही के हाथ से छड़ी छीन ली और पलक झपकने भर की देरी में सारे गुलदस्ते तोड़ दिए। सो द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर टू ब्रिंग ऑल द वेजेस एंड द सोल्जर ब्रॉट द वेजेस एंड लाइक एज सून एज द सर्वेंट सॉ द वेजेस ही टुक अ स्टिक, छड़ी मीन्स स्टिक, ही टुक अ चेन फ्रॉम द stick. So he snatched a stick from the soldier and he broke all the remaining vases. Hey मूर्ख, ये तूने क्या किया? कृष्णदेवराय ने क्रोध में आकर तलवार खींच ली। सो द किंग अगेन गॉट वेरी एंग्री एंड ही सेड यू फूल व्हाट हैव यू डन। तलवार खींच ली, तलवार मीन्स स्वॉर्ड। सो ही टुक हिज स्वॉर्ड आउट एंड ही सेड यू आर योर फूल व्हाट हैव यू डन। महाराज, मैंने अपने जैसे 9 लोगों की जान बचाई है, अब आप मुझे फांसी पर चढ़वा दे। ये गुलदस्ते जब भी टूटते किसी ना किसी की जान लेते, सेवक ने कहा। द सर्वेंट सेड दैट महाराज मीन्स द किंग, मैंने अपने जैसे 9, सो ही सेड दैट सी आई I broke the vases, no? So I saved 9 others' lives. Because every time the vase gets broke, no? You will kill the person who breaks that, no? You'll kill them. So I have saved their lives. Raja ko foran apni bhool ka ehsaas hua. The king, he understood that he was going to make a mistake. He realized his mistake. वे तुरंत समझ गए कि यह सेवक इतना समझदार नहीं है। He understood that this can't be done by this servant. He is not that intelligent. There should be someone behind it. उन्होंने कहा, तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ की जा सकती है, पर तुम्हें यह बताना होगा कि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा। I'll not give you the punishment. माफ़ करना, तुम्हारी सज़ा मीन्स पनिशमेंट, I'll not punish you, but you have to tell me that who asked you to do all this. सेवक बोला, महाराज तेनाली रामन ने कहा था। द सर्वेंट सेड दैट तेनाली रामन आस्क्ड मी टू डू ऑल दिस। राजा तेनाली की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था यह बात तेनाली रामन के दिमाग में ही आ सकती है। सो द किंग लुक्ड एट तेनाली रामन एंड दे बोथ स्माइल्ड एंड ही सेड, आई नो दिस आइडिया कैन बी ऑफ तेनाली रामन ओनली, सो आई ऑलरेडी न्यू इट। यह कहकर उन्होंने सेवक की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी एंड द किंग डिड नॉट पनिश द सर्वेंट, ही फॉरगेव द सर्वेंट। सो दिस इज़ द स्टोरी, 13th चैप्टर, तेनाली रामन की चतुराई। वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स, वी हैव मीनिंग्स इन दिस स्टोरी, इन दिस चैप्टर। इफ़ यू वॉन्ट द आंसर्स यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल टेल यू द आंसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय किड्स।